हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से पॉजिटिव वे में कर रहे होंगे। सो इस अच्छे से पॉजिटिव से प्यारे से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक है ऑफ कोर्स स्कॉर्पियो सोल ट्राइब की। स्कॉर्पियो सोल ट्राइब की लाइफ में नियर फ्यूचर आगे क्या होने वाला है, ठीक है? ये है टॉपिक। और इस टॉपिक से रिलेटेड ना आपकी एनर्जी, आपका ऑरा, आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, लव लाइफ का एस्पेक्ट क्या रहेगा, करियर सक्सेस, फाइनेंसेस का क्या रहेगा, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात होगी इस रीडिंग में। सो गाइस, ये आपकी ना जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सबके लिए है। कोई भी स्कॉर्पियो सोल ट्राइब इसको देख सकता है। आप इसको शेयर भी कीजिएगा दूसरे लोगों के साथ, ऑफ कोर्स जो स्कॉर्पियो हैं जिनको आप जानते हैं। और आप बहुत बहुत प्यार दे रहे हैं टैरो की रीडिंग्स को भी और जोड़ियक्स की रीडिंग को भी। तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग कमेंट करते हैं और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स होते हैं। बहुत बार आपके कमेंट्स पे मुझे मुझे खुशी भी होती है। कभी कभी आप लोग मुझे हंसा भी देते हैं। आप लोगों के कमेंट्स ऐसे भी होते हैं कि मुझे हंसी भी आ जाती है। मैं बहुत बहुत अच्छा लगता है मुझे ना आपके कमेंट्स पढ़ के। और मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ सकूं और जवाब दे सकूं, और मैं अपनी तरफ से 100% कोशिश करती हूँ इस चीज़ की। सो बहुत बहुत थैंक यू। आगे भी अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा, अपना सपोर्ट, अपना प्यार ऐसे ही मेरे चैनल को और मुझे देते रहिएगा, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी वीडियोस बना सकूं। इससे मेरा भी मनोबल बढ़ा रहता है। सो गाइज, दीज आर योर कार्ड्स। ये है नाइन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, और साथ में ही है थ्री ऑफ कप्स। और यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स। बहुत अच्छे जा रहे हैं कार्ड्स आप लोगों के। व्हील ऑफ फॉर्चून है यहाँ पे, और इसको मैं यहाँ रख लूंगी। ये दोनों कार्ड्स एक जैसे से ही हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, और एम्परर का कार्ड है यहाँ। और यहाँ पे आई थिंक ना मुझे ये कार्ड एक जगह रखने चाहिए, क्योंकि ये एक जगह से बिलोंग करते हैं। और यहाँ पे फोर ऑफ कप्स है। और यहाँ पे टू ऑफ सोर्ड्स है, और मजीशियन का कार्ड है। बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव। और यहाँ पे सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है। ओके, थोड़ा सा मुझे अरेंज करने दीजिए एक बार। आई थिंक कार्ड आप लोगों को बहुत अच्छे से दिख रहे होंगे सारे के सारे, क्योंकि वही मेरा मोटिव है कि कार्ड्स आपको अच्छे से दिखें। और एक मैंने थोड़े से नेगेटिव कार्ड्स जो एक तरह की बात कर रहे हैं, और पॉजिटिव कार्ड सारे एक जगह रख लिए हैं। और एक चीज़ दिख रही है आपको गाइज, स्कॉर्पियो सोल ट्राइब 50-50 है भाई। नेगेटिविटी का एस्पेक्ट, पॉजिटिविटी का एस्पेक्ट, अच्छा बुरा, अच्छे लोग बुरे लोग, चैलेंजेस स्ट्रगल रिवॉर्ड्स, ठीक है, वो सब कुछ ना 50-50 है, ठनी हुई है यहाँ पे ना। यहाँ पे ठनी हुई है स्कॉर्पियो सोल ट्राइब है ना भाई, ठनी हुई है यहाँ पे ना। मतलब अगर मैं थोड़ा सा इसको करूं, ये आपका प्रेजेंट भी हो सकता है गाइज, और ये आपका पास्ट भी हो सकता है, ठीक है। सो जब आप इस रीडिंग को देखेंगे तो आप इस चीज को याद कर पाएंगे कि ये ना नियर पास्ट में ही कुछ ऐसा हुआ है, या अभी भी स्टिल आप इस तरह की परिस्थिति में फंसे हुए हो सकते हैं। और आप काफी फंसे हुए हैं, और हर जगह आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, और हर जगह अड़ंगे आ रहे हैं, हर्डल्स बहुत ज्यादा होंगे आपकी लाइफ में ना। और बनते बनते काम रुक जाना, ठीक है ना, और बिगड़ जाना, और काम में इस तरह की रुकावट आना कि समझ भी ना आए, हम सोच भी ना पाए कि यार इस तरह की प्रॉब्लम भी आ सकती थी। तो इस तरह का ढेर सारे लोगों का एस्पेक्ट है यहाँ पे, कि बाधा बहुत आती है। और अपनों के साथ ही जो है ना, मतलब यहाँ पे ये कोई विचारों की लड़ाई नहीं है कि बातचीत की लड़ाई है, ये तो अच्छी खासी वाली लड़ाई है, फाइट्स हैं। हो सकता है आपकी फाइट्स हुई हों अभी पास्ट में, रिसेंटली हो सकता है लड़ाइयाँ चल रही हों, मतलब खूब अच्छे तीखे प्रहार जो होते हैं ना एक दूसरे के ऊपर, खूब अच्छा उलझम उलझा गुत्थम गुत्था वाली लड़ाई हो जाती है ना किसी के साथ, तो उस तरह का एस्पेक्ट है आपका। और बहुत बहुत फ्रंट पे आपको लड़ना पड़ रहा है, मतलब ना कोई एक दो चीज़ नहीं है। देखिए ना, यहाँ पे किसी एक इंसान की, एक इंसान से नहीं है, काफ़ी सारे लोग उलझाव में हैं आपके साथ ना। मतलब जिसे कहते हैं कि एक इंसान को सबसे ही लड़ना पड़ रहा है हर फ्रंट पे ही, मतलब घर पे भी शांति नहीं होगी फिलहाल आपके,
ऐसा लग रहा है कि घर वाले भी डंडा लेके आपके पीछे पड़े हो सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि वर्क प्लेस पे इस तरह का हो। और कुछ लोग हैं भाई थोड़ा सा, आई एम सॉरी टू से, जिनके दोनों ही ये एस्पेक्ट हो सकते हैं कि घर में ना शांति ना बाहर शांति। और ये आपका प्रेजेंट भी हो सकता है, ये हो सकता है रिसेंट पास्ट हो, बट ये बिल्कुल ही रिसेंट पास्ट है। इससे आपको असली बात पता चलेगी। आप ना पास्ट में एक ऐसी रिलेशनशिप में रहे हैं, एक ऐसे टॉक्सिक माहौल में रहे हैं, एक ऐसी भयंकर परिस्थिति में से आप ना रिसेंटली ही निकले होंगे, या आपने रिसेंटली मन बनाया होगा कि अब मुझे निकल जाना है। दबे पांव चुपचाप आधी रात को, जैसे कोई खिसक जाता है कहीं से बिना बताए, किसी रिलेशन में से आप ऐसे निकले हैं। इसको बोलते हैं घोस्टिंग। घोस्टिंग होती है कि चुपचाप किसी रिश्ते में से ऐसे गायब हो जाना, किसी जगह से ऐसे गायब हो जाना कि जैसे कभी थे ही नहीं। तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने ना किसी के साथ आपकी बहुत अच्छी दोस्ती रही हो, बहुत अच्छा प्रेम प्रसंग रहा हो, बहुत अच्छा रोमांटिक रिलेशनशिप रहा हो, लेकिन धीरे 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 आपको बात समझ में आ गई कि ये तो बहुत ही टॉक्सिक इंसान है, या ये तो बहुत ही टॉक्सिसिटी मेरी लाइफ में लेके आ रहा है, और मैं कैसे इसके चंगुल से बाहर निकल जाऊं। तो आप ना बिना बताए, दबे पांव, बिना कोई इंडिकेशन दिए वहां से निकल गए हैं। परिस्थिति वहां बहुत खराब थी और आप निकल चुके हैं। ये कार्ड नेगेटिव है, नेगेटिव परिस्थिति के बारे में बताता है, लेकिन इसका आउटकम पॉजिटिव होता है। मतलब ये बताता है कि ये चीज़ गॉन हो गई है, आप इसमें से निकल गए हैं। किसी की हेल्प हुई होगी आपको ना, किसी फ्रेंड ने मदद की होगी, किसी रिश्तेदार ने। बहुत बार आपकी ही फैमिली के लोग वहाँ से निकालने में आपकी मदद करते हैं। बहुत बार कोई एक अनजान इंसान भी फरिश्ता बन के आपको वहाँ से निकाल देता है। किसी टॉक्सिक जॉब में से निकलते हुए, किसी टॉक्सिक इंस्टीट्यूट से निकलते हुए, किसी टॉक्सिक फैमिली सिस्टम से निकलते हुए, किसी टॉक्सिक मैरिज से निकलते हुए। तो आप इसको अपने हिसाब से देखिएगा कि रिसेंटली ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपसे छूटी हैं। ठीक है, छोड़ने के अलावा ना आपके पास कोई रास्ता ही नहीं था। बहुत मुश्किल था ये फैसला, बट आपने ये लिया है। रिश्ते को ख़त्म किया है, नो कॉन्टैक्ट हुए हैं, और यहाँ पे आपने ये कॉन्टैक्ट ख़त्म किया है। ठीक है, और आपने उसको ब्लॉक ऐसा कर दिया कि लाइफ में कभी अनब्लॉक नहीं करेंगे। रिश्ता आपने इस तरीके से तोड़ दिया है। हो सकता है आप लोगों के रिसेंटली डिवोर्स हुए हो सकता है आप सेपरेशन में चल रहे हो और आपने मन बनाया है कि अब मुझे वहां नहीं जाना है। ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग बाहर जाना चाहते थे, ठीक है, इंडिया से बाहर विदेश में रहना चाहते थे, पढ़ना चाहते थे। तो ये कार्ड जो है आपकी ओवरसीज की वॉयस को भी दिखाता है कि आप ना समुद्र पार यात्रा करेंगे, दूर देश जाएंगे। दूर देश जाने वाला भी ये कार्ड है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि एक रिश्ते को छोड़ के वो एक नए सिरे से लाइफ शुरू करना चाहते हैं, तो जो उनका नेटिव प्लेस है तो वो वहाँ पे नहीं रहेंगे। हो सकता है वो बहुत दूर, इंडिया में ही बहुत दूर जाके कहीं नए सिरे से अपनी लाइफ शुरू करें। तो ये कार्ड होता है कि एक बहुत ही टॉक्सिक सिचुएशन में से आप निकल गए हैं और नए सिरे से आप लाइफ को शुरू करना चाह रहे हैं या शुरू कर चुके हैं। तो ये रहा है आपका पास्ट। और इस जगह पे, इस टॉक्सिक जगह पे, इस टॉक्सिक सिचुएशन में, यहाँ पे इस इंसान के साथ या इस जॉब में आपने काफ़ी टाइम बर्बाद किया है, आपने काफ़ी टाइम लिया है, आपने हिम्मत दिखाने में बहुत टाइम लिया है। आपकी मजबूरियाँ हो सकती हैं, चाहे ये आपका रिश्ता था, चाहे आपकी जॉब थी, चाहे ये जो कुछ भी था, बट आपने बहुत टाइम लिया है। आपकी मजबूरियां भी हो सकती हैं, नो डाउट, उसमें कोई बात नहीं है। और ये भी हो सकता है कि आपको कोई सहारा ही ना मिला हो वहां से निकलने में। जो ये सहारा आपको चाहिए था, ये अभी ही आपको दिया गया है। तो आप इसमें से फॉर श्योर निकल चुके होंगे या 100% निकलने की कगार पे होंगे। और ये कार्ड मैंने बता ही दिया है, ये आपके पास्ट और प्रेजेंट दोनों में है कि जहाँ भी आप थे या जहाँ भी आप हैं, वहाँ पे इस तरह के झगड़े झमेले, रोज रोज का कलेश जिसे कहते हैं ना, रोज का कलेश था वहाँ पे। और ये आपकी ना अभी की प्रेजेंट की परिस्थिति भी हो सकती है। कि हर किसी की परिस्थिति बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि 100% बदल ही गई हो। कुछ लोग हो सकते हैं जो बहुत थक गए हों इस सब से ना, और आप ना रेस्ट और रिक्रिएशन के मोड में कहीं ना कहीं मुझे लग रहे हैं। और हालांकि अब आप रेस्ट में हैं, रिक्रिएशन में हैं, चीज़ निकल गई है, आपको भी पता है कि आप इसमें से निकल गए हैं, बट कहीं ना कहीं एक होता ना कि हॉन्टेड
हॉन्टेड एक हो जाता है मन, मन बिल्कुल घबरा जाता है, एक हॉन्टेड सा रहने लगता है इंसान, डरा डरा सहमा सहमा घबराया घबराया, ठीक है, कि कब कुछ हो जाए, एक उस मोड में आ जाता है ना कि जो कुछ होगा बुरा ही होगा, कुछ बैड न्यूज़ ही होगी, मेरे साथ कुछ बुरा ही होगा, ठीक है, हम बुरा ही सोचने लगते हैं और बुरा ही देखने लगते हैं और कहीं ना कहीं अनजाने में ही बुरा ही चाहने भी लगते हैं अपने लिए। तो ये दोनों ही कार्ड्स एक दूसरे के भाई भाई हैं, तो ये बता रहे हैं यहाँ पे कि आपको काफी लोगों से एक साथ लड़ना पड़ा है पास्ट में, और आपका साथ देने वाला आपके मनोबल के अलावा वहाँ पे कोई भी नहीं था, सब आपके अगेंस्ट थे, सब आपकी कहीं ना कहीं बैक स्टेपिंग कर रहे थे, मतलब पीठ में छुरा घोंपना टाइप्स जो बातें होती, छुप के वार करने वाले लोग थे, और छुप के वार आपने बहुत सहे हैं उनके, और आपको समझ भी नहीं आया है, और आपने खूब खूब अपने आप को डिफेंड किया है, अपने आपने सर्वाइव किया है वहाँ पे, आप एनी हाउ सर्वाइव ही कर सकते थे, और आपने बहुत अच्छे से सर्वाइव किया है, थक गए हैं आप बहुत बुरी तरीके से, आपका मनोबल भी टूट गया है, लेकिन आप एक्चुअल में नहीं टूटे हैं, और ये एक बहुत बड़ी बात है स्कॉर्पियो सोल ट्राइब के लिए। और स्कॉर्पियो सोल ट्राइब के बारे में मैं एक बात बताऊंगी, स्कॉर्पियो सोल ट्राइब को लोग ना बहुत ही क्लेवर मानते हैं, श्रूड मानते हैं, क्योंकि स्कॉर्पियो से दिखाते हैं उसका, और स्कॉर्पियो के अंदर पॉइजन होता है, तो उस वजह से ना एक हम इनके बारे में भ्रांति बना लेते हैं कि ये लोग सारे ऐसे ही होंगे, बट नहीं गाइस, ये देखिए ना वाटर का एलिमेंट कैरी करता है सोल ट्राइब, वाटर का एलिमेंट कैरी करने का मतलब है कि बहुत इमोशनल है, तो जिसको प्यार करेगा टूट के करेगा, तो कहीं ना कहीं वहीं पे धोखा होता है इन लोगों के साथ, तो कहीं ना कहीं अपनों के ही बहुत ज़्यादा वार और धोखे आप लोगों ने सहे हैं, और आप बहुत बहुत उनसे लड़े हैं, और बहुत आपने ना जिसे कहते हैं सीधे खड़े रहे हैं, मतलब स्टैंड किया है आपने, अपने लिए स्टैंड लिया है यहाँ पे ना, अपने लिए स्टैंड लिया है, और आपको समझ में आ गई ये बात कि ये सारी लाइफ तो खराब हो जाएगी, सारा टाइम खराब हो जाएगा, सारी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, सारी लाइफ क्या मैं इनके साथ ही लड़ता रहूं। और यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं जिनको ये लड़ाइयाँ ना इसलिए लड़नी पड़ी हैं कि वो किसी को प्यार करते थे, और उन्होंने अपने घर में ये बात बताई कि मैं इसको प्यार करता हूँ या करती हूँ, मुझे इससे शादी करनी है, तो उसके बाद बहुत जो झगड़े हो जाते हैं ना घर में, वो बिल्कुल मीन वाले झगड़े जो हो जाते हैं, बिल्कुल मेलो ड्रामा वाले झगड़े, जिसमें आपके अपने ही कहीं ना कहीं आपके एकदम से दुश्मन बन जाते हैं, और अड़ंगे अड़ाते हैं हर चीज़ में, कोई काम होने नहीं देते, शादी की बात आगे बढ़ने नहीं देते हैं, ठीक है। सो इस तरह का भी है, और बहुत सारे लोग यहाँ पे ना इस सारे माहौल से दूर निकलने के लिए ना उन्होंने एक ऐसी जॉब ली है, एक ऐसी स्ट्रीम ले ली है, एक ऐसी पढ़ाई शुरू कर दी है कि सो दैट फॉर टाइम बीइंग इन सब चीज़ों को शट डाउन किया जा सके, और वो इन सब लोगों से पीछा छुड़ा के कुछ सालों के लिए दूर जा सकें, ऐसा भी बहुत लोगों का है यहाँ पे। और यहाँ पे एक कार्ड आया है फोर ऑफ कप्स का, फोर ऑफ कप्स में क्या है ना गाइज, अब भी मुझे लगता है मुझे पहले ये कार्ड आपको बता देना चाहिए, ये टू ऑफ सोर्ड्स आया है, और अगेन ये जो कार्ड है ना इसमें इसमें कहीं ना कहीं एक द्वंद्व में आ गया है एक इंसान, यहाँ पे सोल ट्राइब जो है ना स्कॉर्पियो सोल ट्राइब जिनके लिए मैं ये रीडिंग कर रही हूँ वो ना द्वंद्व में आ गए। द्वंद्व क्या होता है कि आपका ही एक हाथ दूसरे हाथ को अगर ऐसे पंजा हम लड़ाएं तो कोई भी नहीं जीत पाएगा, सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा, आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, क्योंकि दोनों हाथ आपके ही हैं, तो कहीं ना आपको इस चीज की वजह से बहुत कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट हो गया है आपकी साइकी में कि यार मेरे अपने जिनको मैं अपना समझता था या समझती थी, मेरे एक डिसीजन में मेरा साथ नहीं दे पा रहे हैं, साथ नहीं दे पा रहे हैं दैट इज ओके, बट मेरे इतना खिलाफ हो गए हैं, क्या ये रियलिटी है, या उनके बारे में जो मैं सोचता हूँ या सोचती हूँ कि वो मेरे अपने हैं या वो रियलिटी है, रियलिटी है क्या? तो आपके केस में ना गाइज रियलिटी इतनी नेगेटिव है और इतनी ना आई ओपनिंग है कि कहीं ना कहीं आपने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली है। वो जो चीज़ें होती हैं ना ये आंखों पे पट्टी, ये थोड़ा ना है कि आपने आंखों पे पट्टी बांधी हुई है, इसका मतलब होता है सिंबॉलिक है, इसका मतलब है कि आपके लिए ये चीज़ इतनी हार्ट ब्रेकिंग है, इतनी डिसहार्टनिंग है ये चीज़ कि आपके अपने घर वाले, आपके अपने दोस्त, आपके अपने कुलीग आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, उन्होंने ऐसा किया आपके साथ, ठीक है, ऐसा हो कैसे गया, आपको धोखे जैसी फीलिंग भी हो रही है, चीटिंग जैसी फीलिंग भी हो रही है कि जिन्हें मैं अपना समझता था कहीं ना कहीं वो मेरे इतने खिलाफ हो गए, तो उस वजह से ना हम फोर टाइम बीइंग ना अपनी आंखों पे पट्टी बांध लेते हैं, भ्रम का एक जाल बना लेते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है,
शायद मेरे कहने में गलती रही होगी, शायद मेरे सुनने में गलती रही होगी, शायद मेरे परसेप्शन में गलती रही होगी, शायद चीज़ें ऐसे नहीं होंगी, मेरे बोलने का तरीका अलग रहा होगा, मुझे ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था। जो एक इंसान ना एक कभी ये बात कहता है, फिर दूसरी बात कहता है, फिर उसी बात से दूसरी बात को काट देता है। तो ऐसे ही ना आपके जो टाइम, एनर्जी, आपका मोरल सारा का सारा ना उलझ गया है, अपने ही अपने दो दो हिस्सों में बट जाता है ना एक इंसान। उसके सोचने समझने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, वो सारी की सारी कहीं ना कहीं नील हो गई है आप लोगों की, क्योंकि आप ना आपके ही दो हिस्सों में बट के कहीं ना कहीं डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, इनडिसिसिव हो गए हैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं बताऊंगी कि ये आपकी प्रेजेंट वाली सिचुएशन हो सकती है बहुत लोगों की, ये और ये तो 100% आप प्रेजेंट में ना यहाँ पे हैं। जब आप इस रीडिंग को देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है ना इंसान, हद से ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, बहुत परेशान हो जाता है, समझ नहीं आता कि गुनाह क्या हो गया है मेरे साथ, मैंने ऐसा क्या कर दिया, ऐसा क्या कह दिया लाइफ में, ऐसा क्या मैंने चाह लिया कि मुझे इतना इतना चीज़ें सहन करनी पड़ गई हैं, इतना लोग मेरे खिलाफ हो गए हैं, मेरे अपनों ने ही मेरा साथ छोड़ दिया है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि इमोशंस की ही बात हो रही है सारी की सारी, यहाँ पे इमोशंस का ही है, पेंटिकल का सिर्फ एक कार्ड आया है, सोर्ड्स के कार्ड हैं, वॉन्ड्स के कार्ड हैं, ठीक है, और कप्स के कार्ड हैं। तो कप्स का तो मतलब ही है यहाँ पे कि इमोशनल सेटिस्फेक्शन। तो कहीं ना एक इंसान होता है कि सबसे रूठ के बैठ गया। देखिए कप्स तो है यहाँ पे, इमोशंस तो है यहाँ पे, पॉजिटिव इमोशंस भी हैं, कुछ पॉजिटिव लोग भी होंगे, ऐसा नहीं है कि सारे ही एक साथ खराब हो गए हैं, लेकिन कहीं ना मन इतना मैला हो गया है हर चीज से कि जो है उसको भी नहीं देखना है, बिल्कुल रूठ के, जैसे बच्चा एक जिद करके बैठ जाता है ना हाथ बांध के कि नहीं अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो उस तरह की चीजें अभी आप कर रहे होंगे लाइफ में, से सब पे से विश्वास उठ जाना, उस वाली पोजीशन में आप हो सकते हैं कि अभी आपका किसी पे विश्वास करने का मन नहीं है, आपका मन ही नहीं है किसी भी तरह की पार्टिसिपेशन करने का, कोई नया रिश्ता बनाने का, घूमने फिरने का, बातचीत करने का, हंसने का, आपका कोई मन नहीं है। आपका जैसे कहते हैं ना एक बिल्कुल वैराग्य सा हो जाता है ना एक इंसान को, कि बिल्कुल वैराग्य सा हो गया, वैराग्य आ गया लाइफ में ना, लाइफ की सच्चाई पता चल जाना, लोगों की रिश्तों की सच्चाई पता चल जाना, और फिर जब सच्चाई देख ली एक बार, ये आँख की पट्टी आप खोलेंगे, ठीक है, आप इस द्वंद से बाहर आएंगे, आपको आने की ज़रूरत है और आप आएंगे, आपको आना पड़ेगा, आँख पे पट्टी बांध के आप कब तक चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिवाइन का हैंड है गाइस, कहीं ना कहीं भगवान आपकी हेल्प करना चाहते हैं, भगवान अपने हाथ से आपको ना कुछ नए रिश्ते देंगे फ्यूचर में। अगर आप किसी एक रिश्ते की ही तलाश में हैं तो वो मिलेगा, अगर आप कुछ अच्छे दोस्त बनाना चाहते हैं तो वो मिलेंगे, अगर आप किसी भी तरह की हेल्प चाहते हैं, इमोशनल फुलफिलमेंट चाहते हैं, रिश्तों में सुधार चाहते हैं, अपना एनर्जी एंथुजियाज्म अच्छा करना चाहते हैं तो वो भी बहुत अच्छा होगा। आप लाइफ में सेफ्टी और सिक्योरिटी चाहते हैं तो उसका भी इंतजाम किया जाएगा। यहाँ पे बहुत इनफ से कार्ड हैं, आपका पास्ट का बैगेज इतना हैवी है कि 10 में से 5 कार्ड दो पास्ट का ही एनर्जी कैरी करते आ रहे हैं, क्योंकि पास्ट का बैगेज इतना हैवी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ना बहुत अच्छा चांस इसलिए है इन सब चीज़ों में से फ्यूचर में निकल जाने का, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, 10 नंबर का कार्ड है। 10 नंबर क्या होता है? 1 और 0। तो 0 और 1 क्या बताते हैं? यहाँ पे कार्मिक साइकिल के बारे में बात करता है 10 नंबर। और 10 नंबर अगर मैं न्यूमरोलॉजी में भी बात करूँ ना, 10 नंबर अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है ना 10th, तो 10th डेट ऑफ बर्थ चाहे मंथ जो भी है, ईयर जो भी है, आप 10 तारीख को अगर पैदा हुए हैं तो उसका सीधा सीधा मतलब होता है कि पास्ट में जो पास्ट की आपकी लाइफ थी वो कुछ इस तरह से थी कि अब जब आप इस लाइफ में आए हैं ना तो आपका पाप और पुण्य कहीं ना कहीं धर्म काटा जो होता है ना बिल्कुल बैलेंस में है। अब अगर आप पाप करोगे इस लाइफ में तो आपके बैड कर्मा बढ़ जाएंगे, अगर आप पुण्य करोगे तो आपके गुड कर्मा बढ़ जाएंगे। तो 10 नंबर का कार्ड इटसेल्फ यही बातें बताता है कि आप अपनी लाइफ की जर्नी में इस लाइफ टाइम में उस जगह पे पहुंच गए हो जहां पे वो जो तराजू है ना पाप और पुण्य तोलने वाली, वो बिल्कुल बैलेंस हो गई है, ठीक है। और अब आपके लिए यहाँ पे ना व्हील ऑफ फॉर्चून भगवान दे रहे हैं कि आपको ना सौभाग्य दे रहे हैं, और आपने भी ऐसे काम करने हैं गाइस कि जो ये लाइफ का नया साइकिल शुरू हो रहा है ना, कर्मा का साइकिल, कि इसमें ना आपने पुण्य अर्जित करने हैं ताकि आपकी आगे आने वाली लाइफ अच्छी निकले, ठीक है। और यहाँ पे
यहाँ पे एक ऐसे इंसान बनते हुए मुझे नियर फ्यूचर में आप दिख रहे हैं। एम्परर की एनर्जी है, एम्परर अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड होता है। 4 नंबर का कार्ड राहु का कार्ड होता है। आप ऐसे बहुत सारे काम शुरू कर सकते हैं जो ऑनलाइन होते हैं, डिजिटल मीडिया में काम कर सकते हैं, डिजिटली कोई भी काम कर सकते हैं। आप ऐसे कामों में बहुत अच्छे रहेंगे जहाँ पे ऑनलाइन ऑनलाइन का जितना बिजनेस है उन सब कामों में बहुत अच्छे रहेंगे। आप बहुत डिसिप्लिन में आ जाएंगे और बहुत मैनर्स के साथ रहेंगे और चीज़ों का और टाइम का इस्तेमाल करना बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। आप अपने इमोशंस का इस्तेमाल करेंगे। पहले जहाँ इमोशंस आपका इस्तेमाल करती थी, स्कॉर्पियो सोल ड्राइव वाटर का एलिमेंट है क्योंकि इमोशंस बहुत हावी रहते थे, अब कहीं ना कहीं इमोशंस को इस्तेमाल करके आप अपने फायदे के लिए यूज करोगे। तो यहाँ पे एक इमोशनली जो एक मैच्योर इंसान होता है ना, उसकी एनर्जी आप लोगों की है। बिल्कुल एक किंग की तरह से कॉन्फिडेंट रहना, किंग की तरह से प्लान करना, फैसले लेना, एग्जीक्यूशन करना और उसमें से अच्छा खासा जिसे कहते हैं अपना स्टेटस बनाना। तो स्टेटस आपको प्रोवाइड किया जाएगा नियर फ्यूचर ना। आपका स्टेटस जो बहुत डाउन हो गया था यहाँ पे ना, यहाँ पे पास्ट में ना आपका आपके घर वाले ही मिलके बहुत बार क्या है आपका मोरल भी डाउन कर देते हैं और आपके अपने ही मिलके कहीं ना कहीं साजिशें आप लोगों के लिए रचते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका नाम भी खराब हुआ था, इज्जत खराब हो जाना, नाम खराब हो जाना, ठीक है। तो वो नाम भी यहाँ पे सुधरेगा। यहाँ पे आप अपना ही एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सा पर्सोना और स्ट्रॉन्ग सा ऑरा बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे एम्परर भी है और किंग भी है और मजिशियन भी है, व्हील ऑफ फॉर्चून भी है और ट्री ऑफ कप्स भी है। मुझे बताओ इन इतने स्ट्रॉन्ग वाले जो कार्ड्स हैं, इसके बाद कोई नेगेटिविटी आपको छू सकती है, कुछ हो सकता है आपको? तो बहुत प्यारा सा फ्यूचर है आप लोगों का। क्लेम कीजिएगा इस प्यारी सी पॉजिटिव सी रीडिंग को, शेयर जरूर से कीजिएगा। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, हालांकि पेंटिकल का एक कार्ड आया है लेकिन सब पे भारी है, अकेला ही कार्ड। तो आपकी जो एनर्जी है ना, इसमें ना डिवाइन मैस्कुलिन ज़्यादा है, फेमिनिन का एस्पेक्ट उतना है नहीं। ये दो कार्ड हैं, दोनों ही किंग के आए हैं। तो चाहे आप लेडी हैं चाहे जेंट्स हैं, जो भी आप काम करेंगे, जिस तरह का भी आपकी लाइफ में रहेगा, उसमें इस तरह का है कि आप एक एक्शन टेकर होंगे, ठीक है, और आप फैसले लेने वाले होंगे, बाउंड्रीज बनाने वाले होंगे, डिसीजन मेकर होंगे। कोई डरे डरे सहमे सहमे से और बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज करने वाले आप नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि ना आपकी मैस्कुलिन पावर डेवलप होगी और मैस्कुलिन पावर सबके अंदर होती है, चाहे लेडी हो चाहे जेंट्स हो चाहे बच्चे हो, सबके अंदर होती है, वो अलग बात है। तो यहाँ पे ना आपका ग्रोथ होगा, आपका ना ग्राफ बढ़ेगा, ग्रोथ का भी ग्राफ बढ़ेगा, सक्सेस का। जो भी चीज़ें लाइफ में चाहिए, जो भी भौतिक सुख समृद्धि आपको चाहिए होती है, चाहे वो रुपया पैसा है, चाहे वो खान पीन की चीज़ें हैं, ठीक है, खान पान की जितनी भी वस्तुएं हैं वो हैं, भोग विलास की सामग्री है, कितनी कितनी हिंदी बोल रही हूँ ना मैं, वाह क्या बात है, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी सुख हैं, समृद्धि है, आराम है, कम्फर्ट्स हैं, लग्जरीज हैं, ठीक है, क्योंकि किंग है पेंटिकल्स का, तो वो सब होंगी। लेकिन क्योंकि पेंटिकल का किंग है तो चीज़ों की रफ्तार बहुत तेज़ नहीं होगी। हो सकता है आपको ये सब चीज़ें लाइफ में आने में 6 महीने बड़े आराम से लग जाएं, ठीक है। सो यहाँ पे गाइस एक कार्ड है 3 ऑफ कप्स। अब मुझे नहीं पता कि ये सेलिब्रेशन किस रिगार्डिंग होगी और पर्टिकुलरली किसके लिए होगी और पर्टिकुलरली किस केस में किसके लिए होगी, लेकिन सेलिब्रेशन है नियर फ्यूचर में ना, आपकी सेलिब्रेशन है। आप दोस्तों के साथ मिलके भाई टोस्ट रेज करोगे, चाहे वो आपकी सक्सेस का हो, चाहे वो आपकी ड्रीम जॉब का हो, चाहे वो आपके ट्रांसफर का हो, चाहे प्रमोशन का हो, चाहे दोस्तों के साथ मिलके आपने वैसे ही सिंपल पार्टी करनी हो, चाहे आपने कोई चीज़ खरीदी हो, घर खरीदा हो, और हो सकता है आपके रोके, आपकी शादी, आपकी इंगेजमेंट और आपकी बेबी शावर, इस तरह की ढेर सारी चीज़ें होती हैं। कोई बड़ा व्हीकल भी अगर हम खरीदते हैं तो उसकी भी पार्टी कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं हाउस वार्मिंग पार्टी, दोस्तों के साथ चिल करना, दोस्तों के साथ पार्टी, पार्टी का, रीयूनियन का, उस तरह का बहुत है। तो कुछ खुशी, किसी तरह की खुशी आपके आसपास ना आने वाली है, जिसमें आप बहुत इंजॉय करेंगे, बहुत खुश रहेंगे और अपनों का आपको साथ मिलेगा यहाँ पे ना। तो इस तरह का है आपके आसपास। और ये लास्ट कार्ड मैंने रखा है
और ये मैं लास्ट में ही पढ़ना था। ये कार्ड है मैजिशियन का, एक नंबर कार्ड होता है। एक नंबर को एक नंबर ही कहते हैं और हर कोई एक नंबर ही बनना चाहता है। नंबर वन, नंबर टू बनना किसी का सपना नहीं। किसी से भी पूछना, या तो कोई सपना नहीं होगा या किसी फील्ड में नंबर वन बनना है। क्या आपने कभी कोई ऐसा इंसान देखा है जो कहता है कि मुझे इस फील्ड में नंबर टू होना है? बने या ना बने वो सेकेंडरी है, पर चाहता कोई भी नहीं है। तो नंबर वन का कार्ड आया है, नंबर वन बनोगे अपनी लाइफ में, चाहे अपने जॉब में, करियर में, ठीक है, जो भी जिस भी चीज़ में हाथ डालोगे, ठीक है, बहुत ही आगे जाओगे, क्योंकि इन्फिनिट पोटेंशियल को कहीं ना कहीं आप लोगों ने टैप इन कर लिया है अपने अंदर। आपको पता चल गया है जो चीज़ों की ज़रूरत है, एनर्जी, किसी काम को करने के लिए एनर्जी चाहिए आपके अंदर है, किसी काम को करने के लिए आपको प्रेसिजन चाहिए आपके अंदर है, पैशन चाहिए आपके अंदर है, टैलेंट चाहिए, इन्फिनिट टैलेंट है आपके अंदर, इमोशनल बैलेंस चाहिए वो भी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में इमोशंस की ज़रूरत पड़ती है, पैसा कमाने का हुनर हाँ आपके अंदर है। तो इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं टैप इन करके ना अपने अंदर आप जान जाएंगे और कॉन्फिडेंट फील करेंगे, और इन चीज़ों के साथ ढेर सारा सक्सेस और ग्रोथ आपकी लाइफ में नियर फ्यूचर आने वाला है। और यहाँ पर मैं बहुत ही प्यारे से मेरे कार्ड्स हैं शिवा ओरेकल से कुछ कार्ड्स लूँगी आपके लिए। यहाँ पर है मेडिटेशन, क्यों है मेडिटेशन आपके लिए, मेडिटेशन क्यों आया है, अभी तक किसी के लिए नहीं आया था। आप अपने कार्ड्स देखिए, 50-50 मोस्टली सोल ट्राइब की रीडिंग में क्या हो रहा है कि दो कार्ड नेगेटिव हैं, तीन है मैक्सिमम, ये पांच कार्ड नेगेटिव, वो भी इतने वाले, ये कार्ड बहुत नेगेटिविटी के बारे में बातें करता है। और ये दो कार्ड्स ना, ये मोस्टली वर्क प्लेस की नेगेटिविटी और ये घर की नेगेटिविटी, और आपका जो है ना जीवन, जिसे कहते हैं ना कि जीना जहन्नुम हुआ हुआ है, क्योंकि दोनों जगह पे तकलीफ है और आप खुद कितने परेशान हैं, और आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल देखिए। जब इंसान इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है ना, देन जरूरत पड़ती है उसको मेडिटेशन की, डिस्कवर योर ट्रू सेल्फ। तो ये जो उलझाव है ना, इनसे दूर जाके कुछ सुलझाव आपको ढूंढने की जरूरत है लाइफ में। एम्ब्रेस सॉलिट्यूड एंड एंगेज इन मेडिटेशन, थोड़ा सा समय निकालिए अपने लिए, 5-10 मिनट से शुरू करिए और थोड़ा सा अपने साथ बैठने की कोशिश कीजिए, एज इट इज द की टू गेनिंग अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर सेल्फ एंड अनकवरिंग योर ट्रू स्पिरिचुअल सेंस। इससे क्या होगा, आप अपने बारे में ना, अपनी जो ट्रू रियलिटी है उसके बारे में जानेंगे। जब हम अपने आप को ट्रू सेंस में जानते हैं ना, तो इन चीज़ों से जो हमें नेगेटिविटी हमारे अंदर भर गई है वो डिस्पेल हो जाती है। यहाँ पे है सीज द मोमेंट, एग्जीक्यूट योर प्लान्स फॉर सक्सेस। तो आपकी जो रीडिंग है इसमें सक्सेस का, करियर का, लव का इतना नहीं आया गाइज। अब अगर इतना नहीं आया है तो कैसे कर सकते हैं, अपने आप से तो कुछ बोल नहीं सकती हूँ मैं। एक कार्ड आया है कि कुछ लोगों के केस में है कि उनकी शादी हो सकती है, अगर उनके प्लान है शादी करने के, तो ये उनकी शादी की पार्टी, उनकी इंगेजमेंट पार्टी, इस तरह से तो आया है। लेकिन अलग से कोई बहुत अलग से कार्ड नहीं आया कि मैं लव के बारे में ही बोल सकूं। मोस्टली आपका ज़्यादा जो है करियर पे, जॉब पे, इन तरह पे, और सक्सेस पे, ग्रोथ पे, इस तरह के आपके कार्ड्स आए हैं। तो यहाँ पे भी शिवा भी आपको यही कह रहे हैं कि जो आपके प्लान्स हैं ना, बहुत बार हमारे पास प्लान्स होते हैं बट हम उनको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। लॉर्ड शिवा कन्वेज दैट टाइम हैज़ कम टू पुट योर शॉर्ट हेल्ड प्लान्स इनटू एक्शन फॉर फ्यूचर ग्रोथ एंड सक्सेस। देखिए, आपके लिए ना फ्यूचर ग्रोथ और सक्सेस ही आया है, तो भगवान शिव का संदेश है कहीं ना कहीं आपके लिए, वो आपको कन्वे कर रहे हैं कि टाइम आ गया है कि जो प्लान्स आपने बहुत टाइम से बनाए हुए हैं, अब उन पे एक्शन लेने का समय आ गया है। सेल्फ केयर, टेक अ ब्रेक एंड रिजुविनेट। मैंने बोला ना, आप इतना थक गए हैं इन सब नेगेटिविटी से भागते हुए, छुपते हुए, डरते हुए, लड़ते हुए, और आप तो बच भी नहीं पाए, आपको तो बहुत बहुत लड़ाइयां भी लड़नी पड़ी हैं। तो यहाँ पे अब सेल्फ केयर रिक्वायर्ड है। आप अपने खाने पीने का ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपनी हाइजीन का ध्यान रखें, अपनी मेंटल पीस का ध्यान रखें, अपनी सेल्फ केयर को आपने ज़्यादा प्रायोरिटीज देनी है। आप कोई ब्रेक भी ले सकते हैं रूटीन वर्क से ना, आप कहीं घूमने जाइए, माउंटेन्स में घूमने जाइए, हरियाली में रहिए, आप सैर का रूटीन बनाइए, आप किसी रनिंग वाटर जो भी होती है ना, स्ट्रीम्स वगैरह, नदियाँ, छोटे तालाब तो मैं नहीं कहूँगी, रनिंग वाटर जहाँ पे भी है ना, वहाँ पे जाके ना थोड़ा सा आप रहिए, थोड़ा सा ना समय व्यतीत करिए वहाँ पे जाके। ओम द यूनिवर्सल साउंड, और आपको ना ओम पे, ओम की ध्वनि पे मेडिटेट करने की ज़रूरत है, जितना मैं इसको पिक कर पा रही हूँ। तो या तो आप खुद से ओम की चैंटिंग करें, अगर आपको वो मुश्किल लगता है, और आपको वो मुश्किल लगेगा, हमें लगता है कि ओम की चैंटिंग करना बहुत ईजी है, बट ओम की चैंटिंग करने में ना जब आप करेंगे तो पता चलेगा कितना मुश्किल है। सबसे पहले तो आपको ना
जमाहियाँ आने लगेंगी, योनिंग जिसको बोलते हैं, आपसे हो ही नहीं पाएगा। तो इसका सिंपल सा तरीका है शुरू शुरू में कि आप ओम की जो है ना, ओम की जो साउंड है वो यूट्यूब पे ढूंढ लें, बहुत अच्छे अच्छे मेडिटेशन होते हैं, और उसको लगाएं और लगा के सुनें, ठीक है, उसको लगा के छोड़ दें और अपना काम करते रहें। तो उससे धीरे 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 आपके चक्रा बैलेंस होंगे, आपकी एनर्जी पॉजिटिव होगी। तो इसको चैंट कर सकते हैं, चैंट नहीं कर सकते हैं तो सुन सकते हैं। आपके केस में मैं बोलूँगी 4 टाइम बींग आपको सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी आपका मेरे को नहीं लग रहा है कि आप कर पाओगे। सो स्कॉर्पियो सोल ट्राइब, ये थी आपकी रीडिंग, ठीक है, खट्टी मिट्टी नेगेटिव पॉजिटिव हर तरह की थी, लेकिन पॉजिटिव टोन पे ही ख़त्म हुई है। बहुत बहुत पॉजिटिविटी भगवान शिव भी आपको भर रहे हैं आपके जीवन में, तो आप भी हिम्मत करिए, आप भी एक्शन लीजिए और सब चीज़ों से बाहर निकल आइए। और यहाँ पे आप ना, अगर मुझसे किसी तरह की हेल्प चाहते हैं, स्टक हैं, बहुत परेशान हैं लाइफ में, कुछ सवालों के जवाब आप चाहते हैं मुझसे, तो मेरी कंसल्टेशंस पेड रहती हैं, पेड कंसल्टेशंस हैं। और उसके रिगार्डिंग अगर आपने और इन्फॉर्मेशन लेनी है तो इसी वीडियो की या हर वीडियो की कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन में ना एक नंबर मेरा होता है, मोबाइल नंबर, वो मेरी टीम का नंबर है। उस टीम के नंबर पे ना आप कॉल मत कीजिएगा, सिर्फ आपने मैसेज करना है, हाय हेलो कुछ भी आप डालेंगे तो वहाँ से वो आपको फर्दर रिस्पॉन्ड कर देंगे। और उसके बाद आप पूछ सकते हैं कि आपने किस रिगार्डिंग मेरी हेल्प लेनी है, किस रिगार्डिंग आप लोगों ने अपनी बुकिंग करानी है। सो बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।